सो गाइज, आज का व्लॉग मैं मम्मी पापा की पूजा के साथ स्टार्ट कर रही, तो आप लोग पूरा देखना। जो बच्चे नाती पोती जमाई दमाद माता रानी की तरफ से, मेरे तरफ से, भोले बाबा की तरफ से बहुत बहुत भर भर के आशीर्वाद मेरे बच्चे को प्यारे प्यारे। माँ की हालत कैसी है? कल रात को ना बीच में मेरे को शायद 12 बजे मेरा पेट दर्द होने लग गया था, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा खा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ध्रुव आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकला है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मैं बोली कि जाओ थोड़ा खेल लो, क्योंकि बच्चे अंदर रहते रहते ना बिल्कुल बोर हो चुके हैं। वैसे ये सामने ही खेल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं। और ध्रुव खेल ही रहा था तब तक जोमेटो वाले भैया आ गए सैंडविच लेकर, जो इसके मामा जी मंगाए थे। तो अब ध्रुव कहे का वहाँ रुकने वाला, खेल वेल सब भूल गया और सैंडविच के पीछे पीछे देखो कैसे अंदर भी चला गया। ये क्या क्या ये कहाँ है? नहीं है। ये सैंडविच यार, ब्रेड लगा दिया है इसी में, वो काट के लगा दिया है। ब्रेड कैसे कैसे बनाते हैं बता दो। ब्रेड काट के सब इसमें डाल दिया अंदर, सलाद बोल दे। हाँ तब तो देख दादी नहीं खा रही है, दादी को पता है। अभी मैं नीचे आई हूँ जस्ट सोकर, और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे और सारे। हाँ ये ध्रुव भी आ गया, ध्रुव ध्रुव खेलने गया था बाहर काफ़ी दिनों बाद। उसमें मास्क पहना के भेजती हूँ, थोड़ा सा डर लगता है। जरूरी भी है, चलो बच्चा खेले वो भी ठीक है, लेकिन सेफ्टी रखो वो भी जरूरी है। तो अभी सारी फैमिली चाय पी ली है और मेरे लिए बेचारे चाय बना कर रखती है, तो मैं जाऊँगी फटाफट गर्म करूँगी पीऊँगी। इससे पहले मैं सैंडविच खाई थी। गाइस कल के ब्लॉग तो हम लोग का आधी रह गई, क्योंकि कल मम्मी को रात को बहुत तेज बुखार हो गया था और मम्मी का पेट दर्द हुआ तो बहुत तेज, तो मम्मी सो गई थी जल्दी। और अभी मैं उठ के ब्रश करके व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी मम्मी नीचे आई है किचन में चाय बनाने। मुंबई नगरी शारदा सदनम, ठीक है, भारत आकर उन्होंने एक शारदा नामक सदन की स्थापना की। बाहर आवाज आ रही है भी, तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि हम लोग का नया अलमारी बन रहा है, उधर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं पढ़ाई नहीं ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ और मैं संस्कृत कर रही हूँ। मम्मी को संस्कृत आते घर में आती हूँ ना, देख पापा आपका मोटा बना दिया, मैं भी मोटा। चाची को आता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, दादी को भी आता है हिंदी, पर मम्मी को मैथ कहता टेबल आता है ये मत बोलिए। मोटा बना इससे मेरा पेट भी मोटा। रावण कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, देख इतना मोटा सर और ये पेट एक बराबर था उनका, आज तक कोई भी चीज ढंग से नहीं बन पाया। और मैंने एक ड्राइंग बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मेरी ड्राइंग ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू ड्राइंग, तो बहुत मुश्किल है, स्केल से पूरा मेजरमेंट लेना होता है। तो पहले पहले बनाया तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी क्या ये सीढ़िया है? अच्छा लगता है इनको खिला के, बहुत अच्छा लगता है। चले जाएंगे फिर मेरे को बुलाएगा। मैंने तो पहले खा लिया। ये लोग दादी के साथ ही खाते हैं, जब भी आते हैं। तो गाइस आज मम्मी और मैं हम तीन दिखाएंगे मेरे बर्थडे का गिफ्ट। ऐसा लग रहा है कि हम लोग डांस क्लास के ग्रुप है, ग्रुप बने। तो मतलब मुझे इतना कम गिफ्ट दे दिया और कमी है, ज्यादा मिले तो मिला था 3-4 चॉकलेट का बॉक्स था जो ये खा गया, इसके पेट के अंदर दोनों मिलकर खा गए। वो कहां से दिखेगा? एक दांत भी टूट गया, दांत टूट गया चॉकलेट के चक्कर में।
लेकिन ये अपने गिफ्ट दिखाया उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे घर में होता है केक का होता है तो दूसरे को भी देना पड़ता है, लेकिन इस बार मेरे भाई ने इसको गिफ्ट किया तो आयुषी को मिला है अपने मामा की तरफ से गिफ्ट, तो आयुषी सबसे पहले वो दिखाई। मतलब गाइस ये है एक टी शर्ट जो मामा ने लिया था, इसका कलर बहुत प्यारा है और इस पे प्रिंट किया है, ये लड़कियों के लिए ठीक है, फुल बना है, फुल लड़कों को नहीं। इसके नीचे गिफ्ट बना हुआ है ब्लैक कलर का, दिला दो मम्मी समझ जाएंगे। ठीक है अब तुम दिखाओ अपना। ठीक है तो गाइस सबसे पहला गिफ्ट है बाबा और दादी की तरफ से जो है एक कपड़ा, ये जो येलो कलर है ना, येलो कलर दादी को बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने येलो कलर का मंगाया है। इसके साथ एक जींस भी मिला है, दिखाओ ये जींस दिखाओ। सो गाइस ये है बाबा और दादी की तरफ से एक जींस, इसके साथ ही आया था ये, देखते है साइज का, साइज ठीक है, कुछ ज्यादा बोलूं नहीं ठीक है, लगता है ऐसे करके मुझे पटाखों बनना पड़ेगा। और गाइस इस शर्ट के जो वर्ड लिखे ना वो इसके लिए है नी, इस पे लिखा है स्टे ग्रेट जो की है नी, स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग वो भी नहीं है, और स्टे ग्रेट स्टे स्ट्रॉन्ग एवरी डे बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये ऐसा ना ग्रेट है ना स्ट्रॉन्ग है, मोटे लोग बहुत ताकतवर होते हैं और वो ताकतवर लोग तो सबको गिरा लाते हैं एकदम, तो मैं जाने में डरता है अभी अभी तो गिरा था मैं। तो ये है मेरा गिफ्ट जो मामा ने दिया था मुझे, ये नहीं इसका शर्ट ये शर्ट इसके मामा गिफ्ट किए, बहुत मस्त है, डार्क ब्लू मेरा फेवरेट कलर है वही। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, नीचे से देखो कैसे राउंड है, ये थोड़ा सिकुड़ गया कॉटन का है ना, पैकिंग के टाइम ये सिकुड़ गया लेकिन ये है न्यू ये। तो गाइस अब खत्म होते हैं कपड़े, अब आते हैं टॉय ये है बिजनेस जो कि दिया है चाची ने ध्रुव को, और बिजनेस इसको खेलने दिया था आता है, मैं बहुत सालों से आप कर रहा हूँ, इसका दिमाग बढ़ाने के लिए दिया है, क्या पता इसे इसका दिमाग कम पड़ जाए। अरे मुझे आता है तो पूरा। के बाद है ये लूडो जो दिया है पापा ने स्नेक एंड लैडर, हम सब ज्यादातर स्नेक एंड लैडर ही खेलते हैं, मजा आते खेलने में, हम सब मैं हारता हूँ। और ये इसका फेवरेट सबसे फेवरेट इसका खोल के रखा है मैंने कब का, इसको मैं चला के दिखाता हूँ, बड़ा मस्त है। इसमें गोली दी है 12 जो की इसके अंदर जो आधी घूम भी हो गई है। देखो गाइस सो गाइस ये जो बुलेट है ये फॉर्म का है, ये ना कार्डबोर्ड से बना है ना किसी और चीज से, फॉर्म का है सॉफ्ट है, किसको लगेगा नहीं पर अगर आपको मारो तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका टॉप वाला रबर से बना है जो कि सॉफ्ट है, बिल्कुल किसी को भी नहीं लगेगा इसे। और गाइस इसको छोटे बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आंख पे तो इसको मारना ही नहीं है, नहीं तो मुंह पे, पर मैं बड़ा बच्चा हूँ इसलिए मैं कहीं भी मार सकता हूँ ना। इसको कोई टारगेट बना लेना है दीवार पे, उस पे मारते रहना है, हम लोग बैलून पे मारते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो चलो ये इसको दिया है रीलोड कैसे करते है, तो बच्चों मैं सिखाऊंगा इसको रीलोड कैसे करते हैं। तो गाइस इसको रीलोड करने के लिए सबसे पहले पीछे का खींचना होता है और फिर यहाँ पे एक होल होता है डालना पड़ता है, तो इसको मारते है कैसे यहाँ का बस दबा दो, मैं मार के दिखाता हूँ उसको एकदम निशान है। सो गाइस आप बताना कि इन सब में से कौन सा गिफ्ट कौन सा टॉय या फिर कौन सा क्लोथ आपको अच्छा लगा, मेरे हिसाब से तो मेरे को सब अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा, ध्रुव को भी, मुझे तो ये अच्छा लगा और सारे कपड़े और ये बिजनेस। बात ये है कि टॉय क्या है कि दो दिन खेलेगा फेंक देगा, कपड़े के लिए यूज आ जाएंगे पहले, मतलब कुछ भी क्या दो दिन से ज्यादा तुम नहीं खेलने वाले मुझे पता है, दो ये चलो मानो एक हफ्ता, कपड़े तो काम आ जाएंगे कुछ भी मतलब कुछ। चलो फिर भी बच्चा है बच्चे को टॉय ही चाहिए, तो चलो आधे तुमने टॉय ले लिया आधे कपड़े। सो गाइस आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, तब तक के लिए बाय।